हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक एक एक्टिविटी क्रिएट की थी। जितने भी हमारे 15 एक्टिविटी थे, एक्टिविटी सेकंड में हमने सबके लिए एक एक जो भी हमारा लेआउट था हमने क्रिएट कर दिया था। अभी हमें इस लेआउट में कुछ कोड लिखना होगा, मीन्स हमें सबके लिए एक एक ऐसा क्रिएट करना होगा, इस लेआउट को हमें क्रिएट करना होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट लेआउट है, हम इसके लिए कोड क्रिएट करेंगे, क्योंकि जैसे हम एक्टिविटी सेकंड फर्स्ट में क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी एक्टिविटी फर्स्ट होगा वो क्रिएट ओपन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कोड क्रिएट करना होगा। तो आपको सबसे पहले जो कंस्ट्रेंट लेआउट दिखाई दे रहा है, आपको चेंज करना होगा इसको, आपको इसको रिलेटिव लेआउट में चेंज करना होगा। तो मैं चेंज कर देता हूं। आपको कंट्रोल अल्ट एल प्रेस करना होगा, क्योंकि जो लाइन हो जाएगी वो फॉर्मेट हो जाएगी। ओके, तो आपको भी सबसे पहले बैकग्राउंड यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है आपको, व्हाइट दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड यूज कर देता हूं। सबसे पहले बैकग्राउंड हैश FF व्हाइट। ओके, अभी हमें स्क्रोल व्यूज यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्क्रीन में मल्टीपल, आप देख सकते हो मल्टीपल एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही, या फिर आपको बहुत सारा कोड दिखाई देगा, हमें इसको स्क्रोल करना होगा तभी हमें विजिबल होगा। ओके, तो आप देख सकते हो, तो इसलिए हमें यहाँ पे स्क्रोल व्यू यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रोल व्यू यूज कर देता हूँ, स्क्रोल व्यू। एंड आपको ध्यान में रखना है मैच पैरेंट करना है हाइट और विड्थ को। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड अभी हमें एक सभी कोड इसके नीचे पेस्ट करना होगा, या फिर इसके बीच में पेस्ट करना होगा। तो मैं सबसे पहले अभी लीनियर लेआउट को क्रिएट कर देता हूं। यहां से लीनियर लेआउट, आपको विड्थ मैच पैरेंट देनी है, हाइट भी मैच पैरेंट देनी है, एंड आपको ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर देनी है वर्टिकल, क्योंकि जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इमेज, इसमें वर्टिकली सभी कंस्टिट्यूएंट जो भी हमारे लेआउट है वो डिफाइंड हो रहे हैं। ओके, तो इसलिए आपको ओरिएंटेशन वर्टिकल दे देनी है। तो मैं यहां से लीनियर लेआउट को क्लोज कर देता हूं। एंड यहां से अभी मैं गिफ्ट इमेज को यूज करता हूं, क्योंकि जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सबसे पहले यहाँ पे गिफ्ट इमेज दिया है, एंड यहाँ पे बटन यूज किया, यहाँ पे भी बटन, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, तो हमें एक एक करके यहाँ पे यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं गिफ्ट इमेज यूज कर देता हूं। एंड आपको मैच पैरेंट यूज करना है विड्थ और हाइट, सॉरी आपको जो विड्थ देनी है आपको फिल पैरेंट देनी है, मीन्स पूरी इसमें आ जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले फिल पैरेंट दे देता हूँ यहां से, जो भी हमारी विड्थ होगी। एंड जो आपको हाइट देनी है वो देनी है आपको 200 dpi, क्योंकि आप इमेज में देख सकते हो जो हमारी हाइट दिखाई दे रही है गिफ्ट इमेज की 200 dpi है, इसलिए मैं यहां से यूज कर देता हूँ 200 dpi। मैं इसको भी, तो आप देख सकते हो अभी हमारा गिफ्ट इमेज यू क्रिएट हो चुका है, बट यहाँ पे हमें सोर्स यूज करना होगा। मैं सोर्स यूज कर देता हूँ यहाँ से एक्सरसाइज 1, क्योंकि जैसे हम फर्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, मीन्स इस एक्टिविटी सेकंड में जैसे हम फर्स्ट में क्लिक करेंगे तो हमारी फर्स्ट लेआउट ओपन हो जाना चाहिए, इसलिए फर्स्ट लेआउट में हम एक्सरसाइज 1 को यूज करेंगे। ओके, क्योंकि जो हमने एक्टिविटी सेकंड में यूज किए थे वो यहाँ सबसे पहले माउंट क्लाइंबर फर्स्ट यूज किए थे, इसलिए हमें वही यूज करना है एक्सरसाइज 1 को। एंड जब हम सेकंड क्रिएट करेंगे तब हमें यहाँ पे एक्सरसाइज 2 यूज करनी है, यहाँ पे एक्सरसाइज 3, ऐसे ऐसे क्रिएट करते जाना है। ओके, आपको तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं सबसे पहले। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली हो चुका है, बट आपको यहां से मार्जिन दे देनी है। तो मैं मार्जिन टॉप दे देता हूं यहां से, मार्जिन टॉप 10 dpi दे देता हूं यहां से मैं। इसके बाद में हमें बटन यूज करना होगा, क्योंकि इमेज में आपको दिखाई देगा एक टाइमर दिखाई दे रहा होगा, तो टाइमर हमें इमेज से बटन से ही क्रिएट करना है, एंड इसको भी हमें बटन से ही क्रिएट करना है। तो मैं चला जाता हूं कोड की तरफ, एंड यहाँ पे मैं बटन क्रिएट कर देता हूँ, कैपिटल बी बटन। आपको विड्थ और हाइट रैप कंटेंट दे देनी है जो भी आपकी बटन रहेगी। तो मैं अगेन बटन क्रिएट कर देता हूँ, एरर आ चुका था, तो रैप कंटेंट दे देनी है आपको जो भी है, आपको विड्थ और हाइट एंटर करना है। सबसे पहले आपको आईडी दे देनी है इसकी, तो मैं आईडी दे देता हूं @time, क्योंकि हमारा टाइमर है।
तो इमेज में जाके देखते हैं हम सबसे पहले। तो सॉरी आपको ये ध्यान में रखनी, यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट रैप कंटेंट नहीं यूज करनी, 170 dp 170 dp यूज करनी, ओके, क्योंकि यहाँ पे हाइट और विड्थ 170 dp आएगा। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एंड आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे अभी मार्जिन लेफ्ट भी यूज कर लेनी है आपको, मार्जिन लेफ्ट आपको मिनिमम 105 dp यूज करनी है क्योंकि हमें सेंटर में चाहिए इसलिए। एंड आपको यहाँ से टेक्स्ट यूज कर देना है, टेक्स्ट आपको टाइमर के लिए जैसे 0.00 यूज कर देना है, 01। आपको एंड जो भी है हमारा इसको क्लोज कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी टेक्स्ट विजिबल हो चुका होगा। एंड आपको यहाँ से टेक्स्ट साइज इंक्रीज करनी होगी क्योंकि टेक्स्ट बहुत ही स्मॉल हो चुका है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट साइज को फिक्स कर देता हूँ। आपको 28 sp यूज करना है। एंड आपको लास्ट में पैडिंग यूज करनी है, तो पैडिंग है आपको मिनिमम 15 dp रख देनी है। तो अभी आपको यहाँ से बैकग्राउंड चूज करना होगा क्योंकि हमें ड्रॉएबल फाइल में एक बैकग्राउंड क्रिएट करना होगा हमारे बटन के लिए जो कि ब्लू कलर में होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपने कोड में आ जाता हूँ एंड एक ड्रॉएबल फाइल में बैकग्राउंड क्रिएट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है एंड बाद में आपको न्यू पे क्लिक करना है, न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, ओके। आपको यहाँ से बटन बीजी राउंड क्रिएट करना है क्योंकि हमें राउंड क्रिएट करना है, इसलिए इसका मेन नाम बटन बीजी राउंड लिख देता हूं। ओके पे क्लिक कर देना आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बटन बीजी राउंड ड्रॉएबल फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी हमें सिलेक्टर के बीच में अभी हमें कोड क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहां से आइटम यूज करना है, तो मैं आइटम दे देता हूं यहां से एंड आइटम को क्लोज कर देता हूं। अभी हमें इसके बीच में कोड यूज करना होगा, तो आपको यहां से शेप यूज करना होगा, तो मैं शेप दे देता हूं ओवल, जो भी हमारा शेप रहेगा। एंड आपको इससे यहां पे क्लोज कर देना है, ओके। तो सबसे पहले मैं अगेन इसको क्लोज कर देता हूं अच्छे से क्योंकि क्लोज नहीं हुआ था, अभी हमारा क्लोज हो चुका है। अभी यहां पे आपको स्ट्रोक यूज करनी है, जो भी ओवल का स्ट्रोक रहेगा आपको यूज करनी है स्ट्रोक। उसके बाद में आपको कलर यहां से यूज करना है, एंड्रॉइड कलर #1E90FF, ओके। आप देख सकते हो अभी हमने यहां से ब्लू कलर चूज कर दिया क्योंकि जो भी हमारा इमेज रहेगा उसका ब्लू ही कलर यूज करने वाले हम, इसलिए मैंने यहां से ब्लू कलर चूज कर दिया है। अभी आपको यहां से विड्थ चूज करनी होगी, विड्थ आपको 7 dp यूज करना होगा। आप देख सकते हो अभी राउंड हो चुका है, इसको आपको क्लोज करना होगा। आपको यहां से अभी सॉलिड यूज करना है, सॉलिड का भी आपको कलर यूज करना है जो भी अंदर कलर रहेगा, तो मैं यहां से डिफॉल्ट कलर दे देता हूं #87CEEB, ओके। तो आप देख सकते हो अभी हमारा काम हो चुका है। अभी इसको भी जो भी हमारा सॉलिड का कलर था उसको भी हमें क्लोज कर देना है। अभी हमें लास्ट में साइज दे देना है इसका, जो भी हमारा साइज रहेगा, विड्थ आपको दे देनी है 150 dp एंड हाइट दे देनी है आपको 150 dp। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली कोड क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसको यूज कर सकते हैं हमारे एक्टिविटी वो फाइल में। तो हम चले जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे एंड हम इसको यूज कर देते हैं। बैकग्राउंड लिखना होगा एंड जो भी हमने अभी अभी ड्रॉएबल फाइल में क्रिएट किया था बैकग्राउंड को, उसको अभी हमें चूज करना होगा। तो बैकग्राउंड बटन बीजी राउंड, ओके। तो आप देख सकते हो अभी हमारा क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो चुका होगा आपको, जैसे हमारी यहाँ पे बटन दिखाई दे रही होगी सेम यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही होगी आपको। तो सबसे पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं अभी, बट यहाँ से हमें एक हम भूल चुके हैं, यहाँ पे मार्जिन टॉप यूज करनी होगी क्योंकि यहाँ से थोड़ा नीचे, ओके। तो मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं यहाँ से 35 dp
तो देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। अभी हमें अगेन एक बटन को यूज करना होगा, तो मैं बटन को क्रिएट कर देता हूं। एंड विड्थ आपको रख देने रैप कंटेंट, एंड हाइट भी आपको रख देने रैप कंटेंट। आपको सबसे पहले अभी आईडी यूज कर देनी है इसकी, @ID स्टार्ट बटन, क्योंकि हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारी जो भी टाइमर रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसका स्टार्ट बटन आईडी रख देता हूँ। अभी आपको लेआउट ग्रेविटी यूज करनी है यहाँ से सेंटर, एंड आपको ग्रेविटी भी यूज करनी है सेंटर। इसके बाद में आपको मार्जिन टॉप दे देनी है, जो भी आपका मार्जिन टॉप रहेगा, सॉरी आपको एंटर करना है, उसके बाद आपको मार्जिन टॉप देनी है 20 dpi आपको दे देनी है। एंड आपको यहाँ पे बैकग्राउंड यूज करना होगा, जो भी इमेज में आपको विजिबल होगा, ये देखो आप देख सकते हो इस कलर का हमें एक ड्रॉएबल फाइल में बटन क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हमें ड्रॉएबल फाइल में चले जाते हैं हम, एंड बटन bg के नेम से हम एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, button-bg। अभी मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो बटन bg अभी क्रिएट हो चुका है। अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे एंटर करना है, एंड यहाँ से हमें आइटम को यूज करना है, यहाँ से हमें आइटम को क्लोज कर देना है, एंड आइटम के बीच में हमें कोड यूज करना है। तो आपको सबसे पहले शेप यूज करना होगा, जैसे हमारा शेप वहाँ पे रेक्टेंगुलर है तो हम शेप रेक्टेंगुलर दे देते हैं, एंड इसको भी क्लोज करना होगा, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एंड इसके बीच में हमें कोड यूज करना होगा, तो मैं सबसे पहले स्ट्रोक दे देता हूँ, जो भी हमारी स्ट्रोक रहेगी, एंड इसका कलर यूज कर देता हूँ मैं #4863। ओके, आपको ये कलर यूज करना है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, तो आपको डबल एंटर करना है E4863। बट हम भी हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कोड को हमने यहाँ पे 5 नहीं दिया। जैसे हम 5 देंगे तो देख सकते हो जो भी हमारा कलर था, यहाँ से कलर हमने चूज कर दिया, जो भी हमारा कलर रहेगा स्ट्रोक का। अभी हमें इसको विड्थ दे देनी है, जितनी भी हमारी स्ट्रोक की विड्थ रहेगी, तो मैं यहाँ से विड्थ दे देता हूँ, जैसे कि मैं 5 dpi दे देता हूँ, तो हमें यहाँ से विड्थ चूज करनी होगी, एंड 5 dpi यूज करनी होगी। तो इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद हमें सॉलिड यूज करना होगा, जो भी हमारा रहेगा सॉलिड, एंड जो भी हमारा कलर रहेगा हमें चूज करना होगा, तो मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ से कलर फुलफिल कर दिया, बट आपको सॉलिड को भी क्लोज करना होगा। आपको यहाँ से कॉर्नर यूज करना होगा, कॉर्नर में आपको जो भी रेडियस है उसको फुलफिल करनी होगी 5 dpi। सबसे पहले मेन आपको साइज यहाँ से डिपेंड करना होगा, तो साइज विड्थ 145 dpi एंड हाइट 45 dpi, सॉरी आपको 45 नहीं, 45 थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, आपको 65 dpi यूज करना है। ओके, तो अभी हमारी कंप्लीटली बटन क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम इस बटन को यूज कर सकते हैं हमारी एक्टिविटी वो फाइल में, तो चलिए चलते हैं एंड बैकग्राउंड में हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां से बैकग्राउंड दे देना है, बैकग्राउंड में जो भी अभी हमने क्रिएट की थी बटन bg, तो आप देख सकते हो अभी हमारी क्रिएट हो चुके हैं। अभी हमें यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करना होगा, जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा, हमें स्टार्ट लिख देना है, क्योंकि हमारे बटन में स्टार्ट लिख के आना चाहिए। सबसे मेन तो अभी इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना होगा, क्योंकि उस इमेज में हमें जो कलर दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर विजिबल हो रहा होगा इस स्टार्ट बटन का, तो हमें व्हाइट ही यूज करना है, तो #FFF। ओके, नहीं तो फिर आप एंड्रॉइड ऐसे भी यूज कर सकते हो @AndroidColorWhite, तो मैं कलर व्हाइट दे देता हूँ। आप देख सकते हो अभी हमने कलर व्हाइट को चूज कर दिया। मैं टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूँ 28 sp, एंड आपको मार्जिन लेफ्ट दे देनी है
मिनिमम दे देनी आपको 0.8 dB। आपको जैसे मार्जिन लेफ्ट लिख दोगे आप तो आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा राइट हैंड साइड में ज्यादा ही चला गया, बट हम जब मोबाइल डिवाइस में रन करके देखेंगे ये तब परफेक्ट रन हो जाएगा और एक्टिविटी मेन में हमारी जो भी हमने .xml फाइल क्रिएट की है वो अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है आपको मार्जिन लेफ्ट 0.8 dB दे देनी है। एंड मैं यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल को इंक्रीज कर देता हूँ, मीन्स बोल्ड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमारी कंप्लीट जो भी बटन थी वो क्लियरली बन चुकी है। अभी हमें एक टेक्स्ट व्यू को यूज करना होगा क्योंकि हमें जो यहाँ पे बटन दिखाई दे रही है यहाँ पे टेक्स्ट व्यू नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, तो हम टेक्स्ट व्यू को यूज करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट व्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आपको विड्थ दे देनी है 30 dp क्योंकि हमारी मिनिमम इतनी यहाँ पे हाइट विड्थ रहनी चाहिए। एंड हाइट आपको रैप कंटेंट दे देनी है। अभी आपको मार्जिन स्टार्ट दे देनी है, जितनी भी आपको मार्जिन लेफ्ट रहेगी इसलिए आपको मार्जिन स्टार्ट यूज करना है। तो मार्जिन स्टार्ट आपको 25 dp दे देना है। आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट क्योंकि हमारा सेंटर में रहना चाहिए इसलिए आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज करना पड़ेगा सेंटर। मैं मार्जिन लेफ्ट भी यूज कर देता हूँ, जैसे हमने मार्जिन स्टार्ट, आप मार्जिन लेफ्ट को भी यूज कर सकते हो या फिर मार्जिन स्टार्ट को भी यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं दोनों को भी यूज कर देता हूँ 35 dp। एंड इसके बाद में आपको मार्जिन टॉप दे देनी है 50 dp। हम टेक्स्ट यूज कर देते हैं, जो भी हमारा नेम था टेक्स्ट हम सबसे पहले देख लेते हैं। हाँ, हाउ टू डू दिस। ओके, तो हमें इसको एंटर करना होगा कैपिटल में, सॉरी आपको कैपिटल में यूज नहीं करना है, हाउ टू डू दिस। तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे विजिबल हो चुका है, बट यहाँ से हमें सबसे पहले टेक्स्ट कलर को चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ पे अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं टेक्स्ट कलर दे देता हूँ यहाँ से #686060। ओके, आपको अभी टेक्स्ट साइज इंक्रीज करना होगा 25 sp। पैडिंग आपको दे देनी है 7 dp, तो मैं दे देता हूँ पैडिंग 7 dp। तो आप देख सकते हो अभी अच्छे से दिख रहा है जो भी हमारा हाउ टू डू दिस था वो कम्प्लीटली। एंड लास्ट हमें यूज करना है टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, मैं इसको एंटर करता हूँ। बट आपको ये ध्यान में रखना है अभी हमें यहाँ पे बैकग्राउंड यूज करना होगा क्योंकि जो आपको शेप दिखाई दे रहा है बाजू में हमें उस शेप को क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हमें ड्रॉबल फाइल में जाना होगा एंड जो भी हमारे ड्रॉबल फाइल है उसको क्रिएट करना होगा एंड उसका नेम रखना होगा बटन जी, या फिर आप कुछ भी रख सकते हो, न्यू ड्रॉबल रिसोर्स फाइल एंड इसका नेम रखना होगा बटन जी एंड एंटर करना होगा। आप देख सकते हो अभी हमारे ड्रॉबल फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो सेम हमें यूज करना होगा आइटम, इसको क्लोज करना होगा, इसके बीच में हमें शेप देना होगा तो मैं शेप दे देता हूँ। शेप हमें रेक्टेंगुलर यूज करना होगा, मैं रेक्टेंगुलर शेप यूज कर देता हूँ एंड इसको भी क्लोज कर देता हूँ। इसके बीच में हमारी जो भी कोड है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने हमें स्ट्रोक हर बार की तरह एंड इसका स्ट्रोक का कलर एंड्रॉइड कलर, तो मैं बाय डिफॉल्ट जो कलर लिखता हूँ वही आपको कलर यूज करना है 9FA634। ओके, एंड आपको यहाँ से विड्थ दे देनी है जो भी स्ट्रोक की रहेगी, तो मैं विड्थ दे देता हूँ 3 dp। एंड मैं यहाँ से सॉल्यूट चूज कर देता हूँ क्योंकि हमें अंदर का जो भी कलर रहेगा उसे फिल करना है या फिर ब्लैंक रख देना है। हैश मैं कलर चूज कर देता हूँ #FA F55। ओके, F5F5 आपको ऐसा कलर चूज कर देना है, सॉरी मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, FA यूज करना है एंड F5 यूज करना है F5, क्योंकि हमें यहाँ पे एकदम स्मॉल यूज करनी है। जो भी हमें कलर दिखाई दे रहा होगा आपको व्हाइटिश कलर यूज करना है
एंड इसको आपको क्लोज कर देना है। ओके तो आप देख सकते हैं जो भी सॉलिड था, जो भी कलर था, इसका चेंज हो चुका है। अभी मैं इसको रेडियस यूज कर देता हूँ, जो भी हमारी कॉर्नर रहेगी। यहाँ पे हमें शेप चाहिए थोड़ा, कॉर्नर रेडियस 3D पे दे देना हमें। हमें इसको क्लोज कर देना है एंड हमें इसको यहाँ से साइज विड्थ यूज करनी है, ऐसे हमें 85 dp, क्योंकि 85 dp अच्छे से हो जाएगा, हमें फिट हो जाएगा जो हमारे इमेज में दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 85 dp अच्छे से हो जाएगा। ओके एंड जो भी हमारी हाइट रहेगी, हाइट ही आपको 35 dp दे देनी है। अभी हमारा कम्प्लीटली कोट का वर्क हो चुका है, अभी हमें इस बटन फाइल को यूज करना होगा हमारे प्रोजेक्ट में। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले अपने एक्टिविटी बुक की तरफ एंड हम सबसे पहले बैकग्राउंड को चूज कर देते हैं। बैकग्राउंड @drawable बटन जो हमने क्रिएट थी, बटन जी। ओके आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। अभी आप देख सकते हो अभी हमें यहाँ पे कार्ड यूज करना होगा, क्योंकि आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पे हाउ टू डू दिस के बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट यूज करना होगा। टेक्स्ट के लिए हमें सबसे पहले कार्ड व्यू यूज करना होगा, तो मैं कार्ड व्यू के लिए आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। तो आपको सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट कर देना अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं इंटरनेट को कनेक्ट कर देता हूँ। आपको अभी यहाँ पे जाना है डिजाइन पार्ट में, मैंने यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट कर दिया। आपको डिजाइन पार्ट में जाना है एंड यहाँ से आपको सर्च करना है कार्ड व्यू एंड यहाँ से जो भी आपको डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर में ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक इन प्रोग्रेस एंड हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। अभी हम इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एंड अभी हमें इस एक्टिविटी में आ जाना होगा स्प्लिट पार्ट में एंड अभी इसमें कार्ड व्यू को यूज करना होगा। यहाँ से मैं कार्ड व्यू लिख देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाना होगा, एंटर करना होगा, यहाँ से आपको कार्ड व्यू यूज करना होगा। कार्ड व्यू विड्थ और हाइट आपको मैच पैरेंट यूज करनी है एंड कार्ड कॉर्नर रेडियस आपको यूज करनी है 20 dp। बैकग्राउंड आपको अगेन यहाँ से यूज करनी है, जो भी आपका बैकग्राउंड डिफॉल्ट कलर रहेगा #ECEDEF। ओके मार्जिन बॉटम आपको यूज करनी है 10 dp। इसमें आपको लीनियर लेआउट को यूज करना होगा। हाइट और विड्थ आपको रैप कंटेंट यूज करना होगा। मार्जिन स्टार्ट दे देता हूं मैं यहां से 5 dp। मार्जिन एंड यूज करनी होगी आपको, क्योंकि आपको यहाँ से 5 dp यूज करनी है, यहाँ से और यहाँ से पीछे से। ओके क्योंकि जो आपको टेक्स्ट विजिबल होगा, मैं आपको टेक्स्ट दिखा देता हूँ। जो हमारा टेक्स्ट रहेगा यहाँ से 5 dp है, यहाँ से 5 dp है। ओके इसलिए हमने यहाँ पे मार्जिन स्टार्ट और मार्जिन एंड में 5 dp यूज किए। मार्जिन लेफ्ट भी यूज कर देता हूँ मैं। ओके बैकग्राउंड यूज करना होगा आपको हैश जो हमने यहाँ पे यूज किया था उसी को यूज करना होगा। इधर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड हमें लेआउट मार्जिन टॉप दे देनी है 25 dp। ओरिएंटेशन दे देनी है आपको हॉरिजॉन्टल। आपको एंटर करना है ऐसे
तो आप देख सकते हो यहाँ से कार्ड व्यू हमारा क्रिएट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट व्यू यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो भी स्टेप रहेगी वो यहाँ पे राइट रहेगी या फिर यहाँ पे कोड लिखा रहेगा। तो मैं मैच पैरेंट दे देता हूँ विड्थ हमारी, एंड हाइट आपको रैप कंटेंट दे देनी है। मार्जिन स्टार्ट आपको यूज करनी है 5 dp। सॉरी, आपको अभी मार्जिन स्टार्ट यहाँ से यूज नहीं करनी है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ या फिर रिमूव कर देता हूँ। हमें यहाँ से सबसे पहले आपको बैकग्राउंड चूज करनी होगी, जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा सेम ही आपको बैकग्राउंड यूज करना होगा। हैश इसी कोड को यूज करना होगा, तो मैं हैश दे देता हूँ एंड कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करता हूँ देता हूँ जो भी हमारा कोड रहेगा। आपको यहाँ से टेक्स्ट लिख देना है, जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा, बट आपको ये ध्यान में रखना है टेक्स्ट यहाँ पे बहुत बड़ा रहेगा। अगर सपोज आपको यहाँ से स्टेप को चेंज करना होगा तो आप स्ट्रिंग से चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, बट आपको मैं यहाँ पे एक एक कर क्रिएट करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जो भी हमारी फाइल्स रहेगी मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, टेक्स्ट फाइल्स आप वहां से देख सकते हो। मैं आपको ये स्ट्रिंग नेम से फाइल दे दूंगा, बस आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है उधर। तो मैं यहाँ से फुल स्क्रीन कर देता हूँ एंड मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ओके, आपको यहाँ तक कॉपी करनी है कंट्रोल सी से, एंड प्रोजेक्ट में जाके आपको स्ट्रिंग में जाना होगा, वैल्यूज में सबसे पहले जाना होगा, ओपन करना होगा एंड स्ट्रिंग डॉट एग्जाम्पल में जाना होगा एंड स्ट्रिंग के नीचे आपको पेस्ट कर देना होगा। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। जो भी आपको इमेज में दिखाई देगा स्ट्रिंग, वही स्ट्रिंग हमें स्ट्रिंग में अभी पेस्ट कर दी है। बस हमें यहाँ पे उस जो भी पोज नेम रहेगा उसको यूज करना होगा, जैसे हमें एक्टिविटी वो में यहाँ पे यूज करना होगा @string_post1। ओके, हमें सेकेंड में यूज करना होगा post2 post3। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे दे देता हूँ @ यूज करना आपको, post1 को यूज कर देना है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा काम हो चुका है, बट आपको यहाँ से टेक्स्ट कलर चूज करना होगा। देख सकते हो यहाँ पे जो भी हमारा टेक्स्ट था यहाँ पे विजिबल हो चुका है, स्ट्रिंग से डायरेक्ट यहाँ पे आ चुका है। आपको टेक्स्ट कलर यूज करना होगा ब्लैक, टेक्स्ट कलर @android_black। ओके, एंड्रॉयड कलर ब्लैक यूज करना होगा, एंड हम यहाँ से टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं। टेक्स्ट साइज आपको 18 sp यूज करनी है और इसको क्लोज कर देना है। तो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है एक्टिविटी बो में, आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं। हमने यहाँ पे एक गिफ्ट इमेज भी यूज की, हमें यहाँ पे टाइमर यूज किया, यहाँ पे बटन, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, एंड इसके बाद में हमें जो भी स्ट्रिंग में थे हमें टेक्स्ट यूज करना था, हमने सब यूज कर दिया। मैं आपको एक बार अगेन विजिबल दिखा देता हूँ, इमेज व्यू, बटन, बटन, टेक्स्ट व्यू, एंड जो भी हमारा टेक्स्ट था स्ट्रिंग में यूज कर दिया हमने। अभी हमको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे जाना होगा एंड सबके लिए जो जहाँ भी यहाँ पे दिख रहे होंगे जितने भी लेआउट, आपको सबके लिए कोड क्रिएट करना होगा। बस आपको कॉपी एंड पेस्ट करना होगा हर इसमें। आपको सेकेंड में जाके आपको एक्सरसाइज 2 लिखना होगा। ओके, जो गिफ्ट इमेज भी रहेगी एंड जो स्ट्रिंग रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ स्ट्रिंग, आपको @post2 लिखनी होगी। ओके, तो आपको बस कॉपी एंड पेस्ट है, कॉपी एंड पेस्ट आपको करना होगा। तो मैं सबसे पहले अभी एक्टिविटी ब्रिज में चला जाता हूँ एंड स्प्लिट में चला जाता हूँ। आपको एक्टिविटी बो में आना होगा एंड जितना भी कोड यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा, तो मैं Ctrl+A एंड Ctrl+C से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड मैं अभी ब्रिज में चला जाता हूँ जो भी हमारी लेआउट फाइल रहेगी, एंड मैं यहाँ पे Ctrl+A सिलेक्ट कर देता हूँ सबको एंड बैकस्पेस से रिमूव कर देता हूँ एंड मैं अभी इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमारे सेकेंड लेआउट के लिए भी ओपन हो चुका है, बट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको exercise 2 यूज करना है। तो मैं exercise 2 यूज कर देता हूँ एंड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके
पोस्ट टू यूज करना है, जो भी हमारे टेक्स्ट में रहेगी हमको पोस्ट टू यूज करना है। सेम हमें सभी के लिए यूज करना है, तो हमें अगेन यहाँ पे जाना होगा एक्टिविटी चेयर में, चला जाता हूँ, स्प्लिट पे क्लिक करना होगा, कंट्रोल एस एस ऑल कोड को सिलेक्ट करना होगा, बैकस्पेस से रिमूव करना होगा एंड कंट्रोल वी जैसे करोगे जो भी हमारा कोड रहेगा पेस्ट हो जाएगा। बट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे एक्सरसाइज 3 यूज करना है एंड यहाँ पे स्ट्रिंग पोस्ट 3 यूज करना है। मैं थर्ड एक्टिविटी में चला जाता हूँ एंड सॉरी फोर्थ एक्टिविटी चला जाता हूँ मैं एक्टिविटी चाइल्ड पे एंड स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ, सेम कंट्रोल है बैकस्पेस कंट्रोल भी एंड यहाँ से भी मैं चेंज कर देता हूँ एक्सरसाइज 4। ऐसे आपको नियर अबाउट जो भी हमने एक एक क्रिएट किए थे 14 आपको 15 आपको क्रिएट करते जाने। ओके, तो मैं सबके लिए क्रिएट कर देता हूँ। अभी हमारे 4 क्रिएट हो चुके हैं, मैं 5 के लिए क्रिएट कर देता हूँ, कंट्रोल ए बैक स्पेस कंट्रोल वी 5 एक्सरसाइज 5। आपको यहां से भी स्ट्रिंग 5 यूज करना है। ओके, अगेन यहां पे जाना होगा, कंट्रोल ए बैक स्पेस से रिमूव कंट्रोल वी करना होगा एक्सरसाइज 6। आपको पोस्ट 6 भी ऐसे यूज करना होगा। ओके, अगेन आपको यहाँ पे जाना होगा, कंट्रोल ए से रिमूव करना होगा कंट्रोल वी एंड यहाँ से आपको 7 को यूज करना होगा, जो भी हमारी एक्सरसाइज रहेगी 7 उसको यूज करना होगा एंड टेक्स्ट को भी आपको पोस्ट 7 लिख देना होगा। तो आप देख सकते हो मैंने पोस्ट 7 लिख दिया है। आपको अगेन थर्ड एक्टिविटी में जाना होगा एंड यहाँ पे क्लिक करना होगा, कंट्रोल ए कंट्रोल वी एक्सरसाइज 8। ओके, आपको यहाँ पे एक्सरसाइज सॉरी पोस्ट 8 यूज करना है। आपको यहाँ पे जाना होगा अभी प्लैंक में एंड 9 के लिए क्रिएट कर देना होगा, कंट्रोल ए कंट्रोल वी एक्सरसाइज 9। मैं पोज 9 को यहां से यूज कर देता हूं। आपको कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देना है। आपको यहां से एक्सरसाइज 10 को यूज करना है एंड जो भी हमारी स्ट्रिंग रहेगी आपको यहां से 10 को यूज करना है। ओके, अभी हमें एक्टिविटी सेटअप पे आना होगा, कंट्रोल ए बैकस्पेस से रिमूव करना होगा कंट्रोल वी से पेस्ट करना होगा एंड जो भी एक्सरसाइज रहेगी हमें यहाँ पे 11 कर देना है। ओके, एंड जो भी हमारी टेक्स्ट रहेगा उसको 11 कर देना है। आपको अभी एक्टिविटी 12 पे जाना होगा, कंट्रोल ए कंट्रोल वी एंड यहाँ पे जो भी हमारा एक्सरसाइज रहेगा उसको 12 लिख देना है, इसको मैं 12 कर देता हूँ। आपको अभी 13 पे आ जाना है, स्प्लिट कंट्रोल ए कंट्रोल वी आपको ऐसे 13 यूज करना है। अगेन हमें यहाँ पे जाना है 14 पे, एक्टिविटी 14 पे स्प्लिट पे क्लिक करना है, कंट्रोल ए बैक स्पेस कंट्रोल वी एंड यहाँ से एक्सरसाइज 14 को चूज कर देना है। मैं चूज कर देता हूँ एक्सरसाइज 14 को एंड यहाँ से आपको पोस्ट 14 को भी चूज कर देना है। आपको अभी लास्ट में जाना होगा एक्टिविटी लेगअप में, स्प्लिट पे क्लिक करना होगा, कंट्रोल ए बैक स्पेस कंट्रोल वी यहाँ पे क्लिक करना होगा, एक्सरसाइज 15 सिलेक्ट करना होगा, पोस्ट 15।
तो आप देख सकते हो अभी हमने सभी के लिए कोड क्रिएट कर दिया, जो भी हमारी यहाँ पे एक्टिविटी थी एक एक करके हमने सबके लिए कोड क्रिएट कर दिया। बस आपको ध्यान में रखना है यहाँ से पोज चेंज करना है और यहाँ से एक्सरसाइज चेंज करना है। ओके तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी हमने यहाँ पे यूज़ किए एक्सरसाइज स्टार्ट बटन या फिर टाइमर हाउ टू डू दिस हम सबको यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं थर्ड एक्टिविटी डॉट जावा में, एंड उसके बाद हम रन करके देखेंगे कि हमारा कैसे ओपन होगा। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा कम्प्लीटली वर्क हो जाएगा, जैसे हम एक्टिविटी सेकेंड में क्लिक करेंगे तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, हम जब थर्ड एक्टिविटी डॉट जावा में वर्क करेंगे। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।